हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुवर्ण रेखा पोर्ट के बारे में जो बनेगा ओडिशा में। जानेंगे इस पोर्ट में खास बात क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से निकल के आते हैं दैट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2019। सो ऑब्वियसली अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी घर बैठे हो सकती है विद आर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com पे, और यू कैन कॉल दीज नंबर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यूपीएससी परस्पेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज़ पेपर 3, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बार सवाल पूछे जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। कोई पोर्ट बन रहा है यहाँ पे, तो लिटरली एक पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि जो सरकारी पोर्ट हैं या जो प्राइवेट पोर्ट हैं उनमें फ़र्क क्या है, किस तरीके से प्राइवेट कंपनीज़ बहुत जल्दी बहुत सारे पोर्ट्स बना रही हैं और फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे और ऑफकोर्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस रिवर्स से रिलेटेड, इस पोर्ट से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे प्रश्न पूछूंगा आपसे, जिसका उत्तर मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगा। सवाल यह है कि सुवर्णरेखा रिवर इनमें से किस स्टेट में बिल्कुल नहीं बहती। ऑलराइट, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश। इसको कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करना सही आंसर वीडियो के एंड में। तो रिसेंटली फरवरी 2019 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया, मतलब कि उसकी कंस्ट्रक्शन अब शुरू होगी, आज से 5-6 साल बाद ये पोर्ट कंप्लीट होगा। पोर्ट का नाम है सुवर्णरेखा पोर्ट, इट इज़ लोकेटेड इन ओडिशा, ठीक है, इट विल बी लोकेटेड इन ओडिशा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। खास बात यह है कि इस पोर्ट को सरकार नहीं बना रही, इस पोर्ट को एज विद वेरियस पोर्ट्स, आज के टाइम में ज़्यादातर पोर्ट जो इंडिया में बन रहे हैं वो प्राइवेट कंपनीज बना रही है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी दो बहुत ही बड़ी प्राइवेट कंपनीज, टाटा स्टील और क्रिएटिव पोर्ट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है, ये दोनों कंपनीज मिलके इस पोर्ट को बनाएंगी। 51% स्टेक यहाँ पे टाटा स्टील का होगा, 49% यहाँ पे क्रिएटिव पोर्ट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का होगा। ओडिशा की सरकार ने इस पोर्ट के लिए इन दोनों कंपनीज को अभी से ही 692 एकर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, एडिशनल 150 एकर बाद में प्रोवाइड किए जाएंगे एज द प्रोजेक्ट डेवलप्स। तो सरकार ने ज़मीन प्रोवाइड कर दी है, अब पोर्ट वहाँ पे बनाना है, उसके लिए दोनों जो प्राइवेट कंपनीज है जिनको हमने डिस्कस किया था वो 5000 करोड़ रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, और उम्मीद की जा रही है कि 5 साल में ये पोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे 12000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसके अलावा ऑफकोर्स ओडिशा का जो कोस्टल एरिया है उसकी डेवलपमेंट होगी, ओडिशा की ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साबित होगा। ना अभी मैं आपको मैप अभी दिखाऊंगा, मगर यहाँ पे कुछ बेसिक्स हैं ये जान लो, एग्ज़ाम में इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। जो पोर्ट बनेगा ये एक ऑल वेदर पोर्ट होगा, और ये सुवर्णरेखा रिवर जो का जो माउथ है ऑन द बे ऑफ बंगाल, वहाँ पर ये लोकेटेड होगा। इसके टोटल 12 बर्थ्स होंगे और इनिशियली इसकी कैपेसिटी होगी 25 मिलियन टन पर एनम, बाद में इवेंचुअली जब साल बीतेंगे इन्वेस्टमेंट होती रहेगी तो इसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर 55 मिलियन टन पर एनम भी कर दिया जाएगा। नाउ टाटा स्टील को यहाँ पे प्राइमरली बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि इस पोर्ट के ज़रिए जो उनका जमशेदपुर झारखंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट है, वहाँ से वो कार्गो आराम से पोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्राइमरली जब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP का जो फ्री ट्रेड पैक्ट है जब वो साइन हो जाएगा, आसियान कंट्रीज़ और ऑस्ट्रेलिया और चाइना वेरियस और कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट के जो आयाम है वो खुलेंगे, वहाँ पे टैरिफ काफ़ी हद तक कम होगा, तो ऐसे पोर्ट से ऑफकोर्स स्टील इंडिया आराम से बाकी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप सोचेंगे ठीक है, एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है और आगे जाके यहाँ पे हम स्टील भी एक्सपोर्ट करेंगे, मगर प्राइमरली यहाँ पर बेनिफिट तो बस टाटा स्टील और दूसरी जो चेन्नई बेस्ड कंपनी है उसको हो रहा है, उनको सरकार से ज़मीन मिल रही है और ज़मीन पे वो पोर्ट बना रहे हैं, मगर यहाँ पे ओडिशा गवर्नमेंट को वापस क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्रोनिम के बारे में बताऊंगा, ये है बूस्ट, BOOST, ये आजकल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल के रूप में यूज़ किया जा रहा है वेरियस स्टेट्स में। इसकी फुल फॉर्म है बिल्ड ओन ऑपरेट शेयर एंड ट्रांसफ़र, बूस्ट मॉडल। तो इसके अंडर क्या होगा कि ओडिशा की सरकार ने जो भी एकड़ों की ज़मीन दी है ये लीज़ पर दी है, ठीक है, तो टाटा स्टील इस ज़मीन को यूज़ करेगा, यहाँ पे पोर्ट बनाएगा, फिर धीरे धीरे जो रेवेन्यू यहाँ से आता रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास वापस जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज़ पर दिस एग्रीमेंट, जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इस पूरी ज़मीन को लेकर, द पोर्ट डेवलपर, जो इस पोर्ट का डेवलपर है इन दिस केस टाटा स्टील,
वुड शेयर रेवेन्यू विद द स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ रेवेन्यू शेयर करेगी जो भी उनको मिलेगा। ये होगा 5% फॉर द फर्स्ट टू फिफ्थ ईयर, पहले 5 सालों के लिए 5% रेवेन्यू शेयर होगा। उसके बाद ये रेवेन्यू बढ़ जाएगा 8% फ्रॉम 6th to 10th ईयर और 10% फ्रॉम 11th to 15th ईयर, और उसके बाद जो बाकी के 15 साल होंगे उसमें 12% रेवेन्यू यहाँ पे ओडिशा की सरकार को मिलेगा। तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा मॉडल है। इससे बेसिकली क्या है कि ओडिशा की सरकार का पैसा नहीं लग रहा, जो पब्लिक का पैसा है वो नहीं लग रहा। प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे ज़मीन पे पोर्ट बनाएगी, डेवलपमेंट वो करेगी, वो अपना प्रॉफिट कमाएगी, मगर ओवर द ईयर्स वो स्टेट गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू का शेयर देती रहेगी। और जो ये फिनोमेना है प्राइवेट पोर्ट्स का, ये सिर्फ ओडिशा में ही नहीं, वेरियस और स्टेट्स जैसे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेरियस और स्टेट्स में दिख रहा है जहाँ पर एक कोस्टल लाइन है। अब आज के टाइम में आपको बताऊंगा कि हमारे कंट्री में 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट ओन पोर्ट्स हैं। जब से हमारी कंट्री को आज़ादी मिली है इन 12 स्टेट ओन सरकारी पोर्ट्स ने एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है उसको ड्राइव किया है। मगर आप पिछले 10 साल में देखें तो ओवरऑल जो शेयर है कंट्री के शिपिंग वॉल्यूम का, कि इम्पोर्ट कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, और भी कुछ और अगर एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, उस सबको आप अगर कंबाइन करके देखोगे तो प्राइवेट पोर्ट्स ने बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। 10 साल पहले जो 12 इंपॉर्टेंट सरकारी पोर्ट थे वो टोटल शिपिंग वॉल्यूम का 72% एक्वायर करते थे, अब वो घटके सिर्फ 55% रह गया है। सिमिलर सिनेरियो हमको दिख रहा है बैंकिंग सेक्टर में, जहाँ पे प्राइवेट बैंक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू गवर्नमेंट बैंक्स। और आप एयर इंडिया का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पर उसको सेल करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, डिसइन्वेस्टमेंट करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आने वाले समय में इंडिया को डबल डिजिट ग्रोथ तक पहुँचना है, 10% की ग्रोथ तक पहुँचना है, जो हमारा एक सपना है कि हम $10 trillion की इकोनॉमी बनेंगे, तो उसमें एक्सपोर्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं और प्राइवेट पोर्ट्स उसमें एक वाइटल लिंक होगा। क्योंकि जो हम जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट पोर्ट्स कीप अप नहीं कर पा रहे, प्राइवेट पोर्ट्स जो हैं वहाँ पे उनमें सुविधा अच्छी मिलती है, ओवरऑल मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी है, और सिंस दे आर ड्रिवन बाय प्राइवेट कंपनीज तो वहाँ पर जो प्रॉफिट मेकिंग उनकी एबिलिटी है वो भी ज़रा बेहतर देखी गई है। ये एक बहुत अच्छा मैप है आपके सामने इंडिया का, जो इंडिया की कोस्टल लाइन है यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो डार्क आपको सर्कल दिख रहे हैं ये सरकारी पोर्ट के हैं। फॉर एग्जांपल नवी मुंबई पोर्ट है यहाँ पे, उसके अलावा चेन्नई पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, फिर कोचिन पोर्ट है यहाँ पे, और जो यहाँ पे पिंक आपको सर्कल दिख रहे होंगे ये प्राइवेट फर्म्स अभी यहाँ पे डेवलप कर रही हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइवेट पोर्ट्स भी ऑलमोस्ट हर स्टेट में यहाँ पे आ रहे हैं, और बहुत ही जल्द ये भी देखने को मिल सकता है कि जो ज़्यादा शिपिंग वॉल्यूम है वो प्राइवेट पोर्ट्स संभालें। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सुवर्ण रेखा रिवर के बारे में भी यहाँ पे हम कुछ बात कर लें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये रिवर किन स्टेट से बहती है अभी वो क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर लेंगे, मगर इस रिवर की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको बताना चाहिए, एक है कांची, दूसरी है करकरी रिवर्स। ऑलराइट, उसके अलावा एक बार मैं आपको मैप में दिखाना चाहता हूँ कि पोर्ट बनेगा कहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देखोगे नॉर्दर्न ओडिशा में ये जो आपको यहाँ पर नदी दिख रही है ये है सुवर्णरेखा रिवर, और यहाँ पर इसके माउथ पे देखो ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर बह जाती है। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ पर ये बह जाती है और इसके माउथ पर वो पोर्ट डेवलप किया जाएगा। तो वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सुवर्णरेखा रिवर डज नॉट फ्लो। तो देखो यहाँ पे सही आंसर है मध्य प्रदेश, ये झारखंड में बहती है, कुछ हद तक वेस्ट बंगाल में भी बहती है, और ऑफकोर्स ओडिशा के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ही। तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं ये है सुवर्णरेखा यहाँ पे। ऑलराइट, ये है सुवर्णरेखा और ये यहाँ पे है वेस्ट ये बे ऑफ बंगाल, और ये एक और मैप है, और ये एक प्रॉपर मैप है, इससे आप समझ पाएंगे कि किन स्टेट से ये रिवर होके गुजरती है, और यहाँ पे आपको इसकी ट्रिब्यूटरी भी मिल जाएगी। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये रिवर काफ़ी हद तक न्यूज़ में इसलिए भी रहती है क्योंकि पॉल्यूशन से ये रिवर काफ़ी हद तक सफ़र कर रही है, क्योंकि जिस एरिया से रिवर गुजरती आगे जाकर वहाँ पे कॉपर माइंस हैं, यूरेनियम माइंस भी हैं, तो वहाँ से काफ़ी पॉल्यूशन इस रिवर में आ जाता है, और वो भी एक एनवायरमेंटल हैजार्ड है, वो भी डिस्कस होता है। सो यू शुड नो अबाउट दिस रिवर, ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहती है फॉर वेरियस रीजंस। खैर, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।